हेलो फ्रेंड्स, मैं गौतम कुमार, आपका फिर से एक और स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम यह करने वाले हैं टॉप 10 एरर्स के क्वेश्चन, जो कि हर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। तो देखिए, यहाँ मैं एक प्रश्न को, एक क्वेश्चन को चार पार्ट में स्प्लिट कर दिया हूँ, पार्ट ए, बी, सी, डी। यहाँ चार पार्ट में से कोई एक पार्ट में एरर है तो आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, Many a man have come to India from Bangladesh to live here permanently. और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि किस पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर हो गया? ऑप्शन नंबर बी। कैसे है इस बात को समझते हैं। देखिए, many a क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए जो हेल्पिंग वर्ब होता है वो क्या होता है? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। लेकिन यह क्या है, ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये क्या है? प्लूरल है। तो इसी को ये क्या हो रहा है, ये फॉलो नहीं कर रहा है। तो इसका ये हैव की जगह पर क्या आएगा? हैज आएगा। मीन्स मेनी अ मैन हैज कम टू इंडिया फ्रॉम बांग्लादेश टू लिव हेयर परमानेंटली, ये हो गया इसका करेक्ट सेंटेंस। तो देखिए, मेनी के साथ ए या एन अगर लगा रहता है तो उसके साथ क्या यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। क्या यूज करते हैं? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। अगर सिर्फ मेनी लिखा रहे, मेनी के साथ ए या एन नहीं लगा रहे, तो इसके साथ क्या यूज करते हैं? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि मेनी के साथ अगर ए एन आ गया तो वर्ब क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब। और मेनी के साथ अगर ए एन नहीं आया है तो क्या होगा? प्लूरल हेल्पिंग वर्ब होगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर टू। देखिए, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। नो एरर। डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। कैसे हो गया, इस बात को समझते हैं। देखिए, वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव्स, ये गिव्स क्या होगा? ये गिव्स क्या है? ये सिंगुलर है। ये क्या है? सिंगुलर है। हमको इसको क्या बनाना पड़ेगा? प्लूरल बनाना पड़ेगा। तो इसका गिव्स के जगह पर क्या होगा? गिव होगा। ये कैसे हुआ, इस बात को समझते हैं। और इसका मैं डिटेल में वन ऑफ द के का जो रूल है मैं वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वहाँ पर ही जाके इसे देख सकते हैं। तो देखिए, वन ऑफ के बाद अगर कोई भी नाउन रहता है तो नाउन रहता है क्या होता है? प्लूरल होता है। ये तो बात सही हो गया। लेकिन अगर इस नाउन के बाद अगर हु रहता है, हु अगर हु आया, डैट आया, टू आया, विच आया, तो इसके बाद जो वर्ब होता है वो क्या होता है? वो वर्ब क्या होता है? प्लूरल हो जाता है। ये प्लूरल वर्ब हो गया, सिंगुलर वर्ब नहीं होता है। यही इसका रूल है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। द फर्स्ट इनिंग ऑफ द मैच वॉज वेरी सेंसेशनल। डी पार्ट है, नो एरर। तो यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए पार्ट में एरर है। कैसे? तो देखिए, इनिंग क्या होता है? इनिंग कभी होता नहीं है। ऑलवेज क्या होता है? ये इनिंग्स होता है। इसमें एस लगा रहता है। ऑलवेज इनिंग्स का जो प्रयोग करते हैं हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इनिंग्स का किस में यूज करते हैं? प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। इसका इनिंग कभी नहीं होता है, हमेशा क्या होता है? इनिंग्स होता है। तो ये हो गया ऑप्शन नंबर इसका ए। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर। वन शुड रिस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ द अदर्स एज मच एज हिज ओन। और डी पार्ट क्या है? नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। ये सी पार्ट में एरर हो गया। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिए, यहाँ क्या बन है, तो बन के लिए जो पोजिशन होता है यहाँ पर क्या यूज किया गया? हिज यूज किया गया। क्या यूज किया गया? हिज यूज किया, जो कि ये गलत है। हिज की जगह पर क्या आएगा? वन का पोजीशन शो करने के लिए क्या होता है? वंस होता है। ये आप यूज करते हैं, नहीं तो या वन भी यूज करते हैं। वन के लिए क्या होता है? पोजीशन शो के लिए वंस यूज करते हैं, नहीं तो फिर वन यूज करते हैं। वन ऑलवेज फॉलो बाय वन, नॉट इज हिज। ओके, अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फाइव। ऑन ए हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक देन विजिटिंग माई फ्रेंड्स। डी पार्ट में नो एरर है। यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा। सी पार्ट में क्या है? एरर है। कैसे, इस बात को समझते हैं। देखिए,
ये क्या है, देन है, यहाँ प्रीफर है। प्रीफर क्या होता है, ऑलवेज फॉलो बाय टू, प्रीफर के बाद हमेशा टू का प्रयोग होता है, देन का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ देन की जगह पर क्या होगा, टू होगा। तो ये हो जाएगा करेक्ट इसका आंसर। तो ऑन अ हॉलीडे आई प्रीफर रीडिंग स्टोरी बुक्स टू विजिटिंग माई फ्रेंड्स, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट, करेक्ट सेंटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिज कंपोजिशन इट इनफीरियर देन माइन, डी पार्ट में है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से बताना है कि कौन सा पार्ट में एरर है। तो कौन सा पार्ट में एरर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सी पार्ट में एरर है। जैसे कि ऊपर में बताया था कि प्रीफर इज फॉलो बाय टू, तो उसी तरह इन्फीरियर भी क्या होता है, इन्फीरियर क्या होता है, फॉलो बाय टू। तो यहाँ देन की जगह पर क्या होगा, टू होगा। ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट, क्या हो गया, हिज कंपोजिशन इट इन्फीरियर टू माइन, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। और ऑप्शन नंबर सी में क्या है, एरर है। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंट ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स, डी पार्ट में क्या है, नो एरर है। बताना है चार में से कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी में एरर है। कैसे समझते हैं, देखिए मनी क्या है, मनी एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो वर्ब होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, वो क्या होता है, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ जो जो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो वर्ब के जगह पर क्या होगा, यहाँ पर, यहाँ क्या होगा, वॉज यूज होगा। तो क्या इसका करेक्ट स्टेटमेंट बन गया, सेंटेंस बन गया, अ लॉट ऑफ मनी वर स्पेंड ऑन कॉमनवेल्थ गेम्स, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। और एरर पार्ट कौन सा था, बी पार्ट था। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर एट। मैंगो द मोस्ट यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, और डी पार्ट में क्या है, नो एरर है। तो यहाँ चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो कौन से पार्ट में एरर है, ए पार्ट में एरर है। देखिए यूनिक क्या है, ए क्या है, एडजेक्टिव है, और ये द मोस्ट के जगह पर यहाँ पर क्या आएगा, द मोस्ट यहाँ पर हट के क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ जो करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन जाए, मैंगो अ यूनिक फ्रूट इज अवेलेबल इन इंडिया इन प्लेंटी, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर नाइन। माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैव कम टू स्टे विथ अस, डी पार्ट में क्या है, नो एरर है। चार में से आपको बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो यहाँ कौन सा पार्ट में एरर हो गया, ऑप्शन नंबर सी। देखिए माय ब्रदर इन लॉ, ये क्या है, ये सिंगुलर की यहाँ बात किया जा रहा है। हु लिव्स इन मुंबई, ये क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। तो वर्ब इसका क्या होगा, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये भी क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो इसका हैव के जगह पर क्या होगा, हैज होगा। ये क्या होगा, सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब, इसके साथ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। तो देखिए करेक्ट स्टेटमेंट क्या बना, माय ब्रदर इन लॉ हु लिव्स इन मुंबई हैज कम टू स्टे विद अस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर इन द कंट्री, डी पार्ट क्या है, नो एरर है। यहाँ बताना है कि कौन से पार्ट में एरर है। तो देखिए ऑप्शन नंबर बी, बी पार्ट में एरर है। कैसे, देखिए माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट, देखिए वन ऑफ के बाद अगर नाउन, यहाँ क्या है, प्लेयर क्या है, नाउन है। तो नाउन किस में होता है, ये प्लूरल नाउन में होता है, प्लूरल नाउन होगा। तो प्लेयर के जगह पर क्या होगा, प्लेयर के जगह पर क्या होगा, प्लेयर्स होगा, एस लग जाएगा। तो यहाँ करेक्ट स्टेटमेंट क्या बन गया, माय फ्रेंड अनु इज वन ऑफ द बेस्ट टेनिस प्लेयर्स इन द कंट्री, ये हो गया इसका करेक्ट स्टेटमेंट। और फ्रेंड्स आपको वन ऑफ द का जो रूल पढ़ना है, तो मैं इसके लिए एक अलग समय वीडियो बना चुका हूँ, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉप 100 इंग्लिश ग्रामर रूल्स के, आप वीडियो में जाके देख सकते हैं। तो उसको मैं वहाँ डिटेल से मैं समझाया हूँ। तो आप अगर उस रूल को एक बार कर लेंगे तो आपको इस टाइप का प्रॉब्लम में कभी भी कहीं भी दिक्कत नहीं होगा। तो आज का सेशन कैसा लगा फ्रेंड्स, ज़रूर हमें कमेंट करें। फिर मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच।